हेलो व्यूवर्स, एपिक्योर में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि गुजराती डिश है हांडवो। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस तरह से इसको बनाएंगे। हांडवो बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप हांडवो फ्लावर, 1/2 कप वाटर, 1/2 कप बॉटर गार्ड, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 6 to 7 करी लीव्स, पिंच ऑफ हींग, 2 teaspoon मस्टर्ड सीड, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 2 teaspoon salt, 1 teaspoon black pepper, 2 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon turmeric powder, 2 teaspoon sugar, 2 tablespoon curd, vegetable oil for cooking and white sesame seeds. 1 cup हांडवो flour लेंगे। ये आप market में से भी ले सकते हैं, online भी मंगा सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं इसको। 1/2 cup water लेंगे। water जो है हम 3-4 batches में add करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक थिक बैटर रेडी कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें रनी नहीं चाहिए, थिक चाहिए। अब हम इसको कम से कम 30 to 40 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब हम इसमें बॉटल गार्ड ऐड करेंगे और इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ना हो। स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे, करी लीव्स ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हींग, राई ऐड करेंगे। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जैसे कि बीन्स। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा दही। अब इस और चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब एक नॉनस्टिक गहरी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें राई ऐड करेंगे, थोड़े से सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ी सी करी लीव्स ऐड करेंगे और हम अपना बैटर पोर करेंगे। इसमें बैटर की अच्छी थिक लेयर हम ऐड करेंगे और उसको फैला लेंगे अच्छे से और इसको ऊपर से लिड से कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए नीचे से। और इसको जब आप फ्लिप करें बहुत ध्यान से करिएगा ताकि ये टूटे नहीं। ये ऊपर एक तरफ से पक चुका है अच्छे से, साइड्स रेड हो चुके हैं। अब हम इसे फ्लिप करेंगे एंड लुक एट द कलर। इसे एक तरह से आप वेजिटेबल केक भी कह सकते हैं। जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं इसमें टेस्ट का पता नहीं चलता वेजिटेबल्स का और बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से कुक कर लेंगे और हमारा हांडवो बनके तैयार है। अब हम इसको अच्छे से पीसेस में कट कर लेंगे और सर्व करिए ग्रीन चटनी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।